अदालत की कार्रवाई शुरू होए। और इससे पहले कि इल्जामात और सवालात का सिलसिला शुरू हो, एक नजर डालते हैं इमरान खान के क्रिकेट और पॉलिटिकल करियर पर। पाकिस्तान के लोगों ने किसी सेलिब्रिटी और स्पोर्ट्स स्टार को इतनी इज्जत नहीं दी जितनी इमरान खान को मिली। क्रिकेट के सुपरस्टार इमरान खान ने सिर्फ 18 साल की उम्र में पाकिस्तान की तरफ से पहला टेस्ट खेला। 21 साल के लंबे क्रिकेटिंग करियर में इमरान खान ने 98 टेस्ट मैचेस खेले। इनमें से 48 मैचों में इमरान खान कैप्टन थे। ऑलराउंडर इमरान खान पाकिस्तान के सबसे कामयाब टीम लीडर साबित हुए। 1992 में पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप जीतने के बाद इमरान खान एक चैंपियन की तरह रिटायर हुए। इसके बाद इमरान खान ने अपनी सारी ताकत शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल को बनाने में लगा दी। 1996 में जिस दिन यह हॉस्पिटल बनकर तैयार हुआ, वो दिन इमरान खान की जिंदगी का सबसे खुशनुमा दिन था। इस दौरान इमरान खान ने सियासत में कदम रखा और तहरीके इंसाफ नाम की एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई। मीडिया ने इमरान खान को प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग का खिताब दिया। फिलहाल इमरान खान पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के मेंबर हैं। आपकी अदालत में इमरान खान अपनी पैरवी खुद करेंगे। मुकदमा शुरू होता है आपकी अदालत में, पहला इल्जाम इमरान खान पर। आपकी अदालत में इमरान खान पर इल्जाम है कि इनके डबल स्टैंडर्ड हैं। इमरान साहब, जो खबरें पाकिस्तान से यहां तक पहुंचती हैं उससे पता चलता है कि आजकल नौजवानों को बहुत उपदेश देते हैं, प्रीच करते हैं कैसे फैमिली वैल्यूज पर ध्यान देना चाहिए। ये बात सही है? कभी कभी। लेकिन आप जो लोगों को बताते हैं वो अपने ऊपर तो आपने इंप्लीमेंट किया नहीं। जब आप नौजवान थे अब आपने क्या क्या हरकतें की थी जब आप लंदन में रहते थे, उसका चिट्ठा तो लोगों को मालूम ही होगा। देखिए, इसलिए मेरी तरह का आदमी ज्यादा बेहतर बता सकता है क्योंकि जिसने कभी ना मगरिब देखा हो ना उसने किसी फेज से गुजरा हो, वो कैसे लोगों को बता सकता है। मेरी तरह का आदमी जिसने सारे फेजेस देखे, जिसने मगरिब के कल्चर को बड़े करीब से देखा, जो मगरिब में अपनाया गया और जिसने फिर दो कल्चर को एनालाइज किया, उनकी ताकत देखी, उनकी कमजोरियां देखी, तो मेरी तरह का आदमी ज्यादा क्वालिफाइड है नौजवानों को बताने के लिए कि उनको किस चीज से बचना चाहिए, किस चीज के ऊपर गौर करना चाहिए। एक बंदरों की तरह किसी और कल्चर को कॉपी नहीं करना चाहिए। तो ये मेरे से, मैं समझता हूं नौजवान ज्यादा सुनेंगे बजाय उसके जिसको पता ही नहीं। मगर लेकिन आपको भी बताया था जब आप लंदन जा रहे थे 20 साल की उम्र में, तो आपकी मां ने आपको कहा था कि बेटा ये जो गोरी मेम है इनसे दूर रहना। मेरी वालदा ने सिर्फ ये कहा था कि पाकिस्तानी औरत से शादी करना, और वो इसलिए उसने कहा था कि वो मेरी वालदा चाहती थी मैं पाकिस्तान में रहूं। उनको ये खतरा था कि अगर मैं इंग्लैंड में शादी करता हूं तो मैं अपना मुल्क छोड़ के इंग्लैंड इसलिए चला जाऊंगा क्योंकि मेरी बीवी पाकिस्तान में नहीं रह सकेगी। लेकिन हुआ ये कि हर रोज आपका जो घर है वो डिस्कोथीक बन गया था, एक तरह का लिविंग रूम। वहीं रहते थे, जो टी शर्ट पहनते थे उस पर लिखा होता था बिग बॉयज प्ले एट नाइट। मेरा कभी भी मेरा लिविंग रूम डिस्कोटेक कभी भी नहीं बना। और बिग बॉयज प्ले एट नाइट की टी शर्ट, वो असल में हम उन दिनों में वर्ल्ड सीरीज क्रिकेट खेलते थे कैरी पैकर की ऑस्ट्रेलिया में, वो हमें सबको उन्होंने वो नाइट क्रिकेट को प्रमोट करने के लिए उन्होंने टी शर्ट्स दी। लेकिन बहुत सारी ऐसी हरकतें थी जो टी शर्ट पर लिखी नहीं होती थी। देखिए, ये तो अब आपका जो इमेजिनेशन है ये ज्यादा आगे जा रहा है। जो भी हरकतें होंगी, कोई ऐसी, मैं एक नॉर्मल अपने जमाने का नौजवान था और कभी अपने आप को ये नहीं समझा कि जो मैं कोई प्ले बॉय हूँ या ये मीडिया में। देखिए ना, आपकी मजबूरी होती है, आप मीडिया में, आपको प्रोजेक्ट करना होता है, आपको चैनल्स अपने लोगों को दिखानी होती हैं, अखबार बेचने होते हैं, ये खबरें छपती थी, आपको बहुत मजा आता था। मैं ये देखो, ये मैं कभी नहीं कहता कि मैं फरिश्ता था,
लेकिन मैं कुछ तो माना नहीं कुछ तो माना बहुत सारे नाम आपके साथ ब्रिटिश मीडिया ने जोड़े थे, बहुत लंबी लिस्ट है। एमा सर्जेंट का नाम आपके साथ जुड़ा, लुलू ब्लेकर का नाम आपके साथ जुड़ा, सुसन का नाम आपके साथ जुड़ा, गोल्डी हॉर्न फिल्म स्टार का नाम आपके साथ जुड़ा, मेरी हल्किन का नाम आपके साथ जुड़ा, आपको याद आ रहे होंगे कि करके ये सब, लिजा कैम्बल का नाम आपके साथ जुड़ा, टीवी स्टार अनास्तासिया कुक, एमटीवी की क्रिस्टीन बेकर। अब कुछ तो सच होगा अगर इतने सारे नाम दिए हैं तो। ये तो भी आपने थोड़े गिने हैं। और ये वो नाम है जिनको किसी को भी मैं जानता था, वो आपने सारे नाम डाल दिए। मैं इसलिए कहा इससे ज्यादा लोगों को मैं जानता था। और इसी बिना पर जो कर्नल नसीम है पाकिस्तान क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के, उन्होंने कहा कि हर शाम इनकी एक नई लड़की के साथ गुजरती थी इमरान की। ये कर्नल नसीम अपनी फैंटेसीज मेरे जीरे रहने की कोशिश कर रहे थे, उनकी उनकी ये फैंटेसी होगी। इसमें सच्चाई नहीं है, कोई और ठोस कोई सही इल्जाम लगाएं, ये क्या इल्जाम लगा रहे हैं इमरान साहब? ये सब वो इल्जाम हैं जो मीडिया में आपके ऊपर लगते रहे, पाकिस्तान की मीडिया में आप पर लगते रहे, ब्रिटेन के मीडिया में आप पर लगते रहे। मैं एक बैचलर था, ज्यादा क्रिकेट खेलता था, शादी नहीं थी, उसमें स्पेकुलेशन होती थी किसी पार्टी में चला जाऊं किसी से नजर आ जाऊं, तो ये सारी चीजें जो आपने नामों की लिस्ट दी है, इसके इसको क्या आदमी डिफेंड करे अपने आप को? लेकिन ये बात और मैं और ये इतनी पुरानी हम बातें कर रहे हैं कि ये मेरे मैं तो भूल भी चुका हूं ये सब चीजें। कभी ना कभी किसी को तो याद दिलाना पड़ता है इमरान साहब। मैं तो मैं मेरा तो एक शादी से पहले का फेज था जो मैं भूल चुका हूं, उसके बाद शादी के बाद का फेज है उसको उसको वो मुझे याद है, उसके ऊपर कोई बात करें। जनता से पूछते हैं इस बारे में, आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। जिस समय आप पाकिस्तान टीम के कैप्टन थे, उस समय आप ऐसा मतलब क्या सोचते थे, ऐसा जब भारत के साथ मैच होते थे तो किस भाव से उस मैच को खेलते थे, और किसी टीम के साथ होता था तो किस भाव से खेलते थे? देखिए भारत के खिलाफ तो मैं पूरा जोर लगाता था और पूरी कोशिश करता था कि शिकस्त दूं आपकी टीम को, लेकिन ये आप हमेशा ये याद रखें कि कभी ये कोई दुश्मनी नहीं होती थी, ये एक हेल्दी कंपटीशन होती थी, एक मुकाबला होता था, क्योंकि पब्लिक इतना इंटरेस्ट था इस मैचेस में, हमें पता था कि सारा हिंदुस्तान अपनी टीम के साथ खड़ा और हमारा सारा मुल्क अपनी टीम, तो जाहिर है पूरा जोर लगाना था मैंने। लेकिन भारत के खिलाफ जब खेलते थे तो डर भी होता होगा, अगर हार के वापस लौटे तो पब्लिक मारेगी बहुत। मैं कभी भूल नहीं सकता कि मैं जब यहाँ पहली टूर पे आया और हमारी टीम हार गई यहाँ, तो मुझे याद है कि हम जब हारे तो हमने फैसला किया कि उस फ्लाइट पे पाकिस्तान पे जाया जाए जब सारा मुल्क सो रहा हो। तो हमने चुन के सुबह के 4 बजे की एक फ्लाइट थी, वो चुन के हमने दिल्ली से पकड़ी और चुन के पहुंचे, तो कोई एयरपोर्ट पे नहीं था, सिर्फ कस्टम ऑफिशियल्स थे और इमिग्रेशन ऑफिशियल्स। आप यकीन करें कि उन कस्टम ऑफिशियल्स ने हमें 2 घंटे एयरपोर्ट रोका और एक एक चीज हमारी कॉन्फिस्केट की जो भारत से आई थी, मतलब रिकॉर्ड या प्रेजेंट्स मिले सब कुछ उन्होंने ले लिया हमारे से और 2 घंटे वहां में रखा। और उसके बाद जब हम निकले तो थोड़े थोड़े लोग जागे हुए थे, तो हम छुप छुप के अपने घरों पे पहुंचे। और उसके बाद मैं मुझे याद है कि मैं हम जब जीत के गए भारत से वो 8 साल के बाद सीरीज में यहां, तो उसी एयरपोर्ट के ऊपर हम पहुंचे, वहां 1.5 लाख आदमी एयरपोर्ट के आया हुआ था रिसीव करने, 5 मील तक लोग खड़े थे सड़कों पर रिसीव करने के लिए, और उन्हीं कस्टम ऑफिशियल्स ने कंधों पे हमें उठा के लेके गए। तो ये हार जीत का ये वैसे एक ये सिखाता भी बहुत ज्यादा है आपको दोनों चीजों में, आप जब जीतते हैं तो फिर आप बिल्कुल आसमानों पर नहीं चले जाते, और जब हारते हैं तो आप समझते हैं कि हाँ ये बुरा वक्त है, लेकिन इस्तेमाल अपने फायदे के लिए किया। इमरान साहब ये सही है कि क्रिकेट ने आपको सुपरस्टार बनाया, जनता ने आपको बहुत प्यार दिया, नौजवानों ने एक तरह से गॉड ऑफ क्रिकेट खुदा समझा आपको,
लेकिन आपने क्रिकेट के लिए क्या किया? क्रिकेट के लिए जब मैं प्लेयर था, कोशिश की टीम को जिताने के लिए। जब मैं कैप्टन बना तो मुझे बड़ा फख्र है इस चीज़ में कि पाकिस्तान टीम, जब मैं छोड़ के गया तो पाकिस्तान की बेहतरीन टीम थी और वो वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम थी, और जो वो 92 के बाद टीम थी वो दुनिया में उस वक्त नंबर वन टीम, टैलेंट के अंदर वो दुनिया की नंबर वन टीम थी। लेकिन जो आपके साथ खेलते थे उन्होंने कहा कि इमरान खान ने क्रिकेट में जो अपना करियर था उसका इस्तेमाल सिर्फ अपने आप को एस्टेब्लिश करने के लिए किया, अपना डोमिनेशन क्रिकेट पर बढ़ाने के लिए किया। मैंने 1987 के अंदर मैंने अपनी रिटायरमेंट अनाउंस कर दी थी, और उसकी वजह यह थी कि मेरा जो आग थी, जो जुनून था क्रिकेट में, वो ख़त्म हो गया था, यानी कि वो उस सतह पर नहीं था। तो मैंने सोचा कि मैं अपनी पीक पे छोड़ूं, बजाय इसके कि मुझे कोई निकाल दे टीम से, मैं जब पीक पे हूं तो मैं क्रिकेट छोड़ूं। उसके बाद जनरल ज़िया ने मुझे पब्लिकली रिक्वेस्ट की कि टीम के अंदर वापस आओ, टीम को ज़रूरत है। तो मैं फिर टीम के लिए वापस आया, और उसके बाद फिर मैं क्रिकेट छोड़ने का सोच रहा था, लेकिन तब तक मैंने कैंसर हॉस्पिटल का प्रोजेक्ट शुरू किया। तो कैंसर हॉस्पिटल के प्रोजेक्ट के जो डॉक्टर्स थे, उन्होंने, जो हमारे साथ बोर्ड ऑफ गवर्नर्स थे, उन सब ने मुझे कहा कि अगर आप क्रिकेट से इस वक्त निकल जाएंगे तो आप इस हॉस्पिटल को बना नहीं सकेंगे, क्योंकि इसके लिए आपको पब्लिक आय में रहना है, आपको पैसे इकट्ठे करने हैं, और अगर आपके पास आप पब्लिक आय से निकल गए तो हम हॉस्पिटल के लिए जो इतना ज़्यादा 70 करोड़ रुपया इकट्ठा करना था आप नहीं कर सकेंगे। लिहाजा उसके बाद मैं सिर्फ क्रिकेट खेला कैंसर हॉस्पिटल के लिए। जावेद मियादाद की किताब है ऑटोबायोग्राफी, उसमें उन्होंने लिखा है कि जो प्लेयर्स हैं उन्होंने इमरान साहब का नाम मीटर रख दिया था, यानी वो मीटर जो सिर्फ पैसे से चलता है। एक्चुअली तो उल्टा हुआ बात, ये जो आप कह रहे हैं मीटर की, कि असल में तो टीम जो 3-4 लड़के थे इसमें, जो जिनको पैसे की लालच कहीं उनको ज्यादा होती है कहीं कम होती है, उनका ये ख्याल था कि वर्ल्ड कप में जो लोगों ने खुशी में पैसे देने थे टीम को, वो टीम के पैसे मैं हॉस्पिटल में ना ले जाऊं। दो उन्होंने इल्जाम लगाए, एक तो इल्जाम ये कि जब मैच खत्म हुआ तो जो जीती खुशी थी, जो खुमार था, उसके में आपने इस्तेमाल किया अपने कैंसर हॉस्पिटल को पब्लिसिटी देने के लिए। उस वक्त जो आपने स्पीच दी उसमें कहा कि मुझे कैंसर हॉस्पिटल के लिए मदद चाहिए, इसमें तो मुझे कोई शर्म है ही नहीं, क्योंकि मैं तो आपको अर्ज की कि मैं तो खेल ही हॉस्पिटल के लिए रहा था, और हॉस्पिटल नहीं, जात का हॉस्पिटल तो नहीं था, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान का वाहिद कैंसर हॉस्पिटल बनना था, तो मैं तो अपने मुल्क के लिए कह रहा था। तो मुझे तो इसमें कोई शर्म नहीं कि मैंने पब्लिसिटी दी, मैंने तो 2 साल से पब्लिसिटी दे रहा था। मैं तो जब कोई प्राइज जीतता था मैं वो अपने हॉस्पिटल को देता था। मसलन ऑस्ट्रेलिया में मैं 2-3 साल पहले क्रिकेटर ऑफ द ईयर बना पाकिस्तान टीम के लिए खेलते हुए, तो जान के मैंने क्रिकेटर ऑफ ईयर का जो गाड़ी का अवार्ड था वो हॉस्पिटल को डोनेट किया उसको प्रोजेक्ट करने के लिए। आप अपने अवार्ड हॉस्पिटल को दे दें किसी को आपत्ति नहीं थी, लेकिन जो प्लेयर्स हैं उनको लगा कि जब लौट रहे थे वापस सिंगापुर में रुके, सिंगापुर के एम्बेसडर ने एक चेक दिया, वो पूरी टीम के लिए चेक होना चाहिए था, उसने आपको भी, आपने उसको भी हॉस्पिटल में लगा दिया। जब मुझे ये ख्याल हुआ कि कई हमारे खिलाड़ियों में ये खदशा है कि मैं टीम का पैसा हॉस्पिटल में लगा रहा हूं, तब मैंने फैसला किया उसके बाद क्रिकेट ख़त्म करने का, क्योंकि उसके बाद मेरी तो फोकस हॉस्पिटल था और मैं तो क्रिकेट खेल ही रहा था और ये अनाउंस करके खेल रहा था हॉस्पिटल के लिए, तो इसमें तो कोई, लेकिन ये कहना कि मैं लड़कों का पैसा हॉस्पिटल में लगाऊं, ये तो कभी किसी सूरत में नहीं कर सकता था। और ये जो आप सिंगापुर की बात कर रहे हैं, वो एम्बेसडर अभी भी है, अब सिंगापुर में नहीं है, इस्लामाबाद में है, उसने पैसे ही हॉस्पिटल के लिए इकट्ठे किए थे। लेकिन लड़कों को इंप्रेशन जरूर लगा कि वो पैसा टीम के लिए था। कई लड़के लालची होते हैं और उनको ये पैसे के भूखे होते हैं, मैं ये कहूँगा बदकिस्मती ये है कि उन्होंने अपनी लालच के अंदर ये समझा कि मैंने उनका पैसा हॉस्पिटल को दिया, बिल्कुल गलत था। उन्होंने अपनी किताब में ये भी लिखा है कि आपने बोर्ड ऑफिशियल्स के साथ मिल करके उनको क्रिकेट की कैप्टनशिप से हटवा दिया। ना मैं बोर्ड में ऑफिशियल थी, ना मैं बोर्ड का मेंबर था, क्या मैं बोर्ड को कह के उसको कैप्टन हटा सकता था? ये भी एक पैरानोया था और ये बदकिस्मती है कि मियादाद ने इस तरह की बातें लिखी। हालांकि
मैं एक मेरे साथ मिलके वो हमारी बड़ी ज़बरदस्त हमारा कॉम्बिनेशन था, जावेद की बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस था टीम में, लेकिन ऐसी बातें लिखना मैं हैरान हूँ कि उसने किताब में ऐसी एक बड़ी उसने उन्होंने स्पेसिफिक बात लिखी है कि इमरान खान ने हमारी टीम को तोड़ने की कोशिश की। जब आप कैप्टन थे तो आपने एक पार्टी की लंदन में, उस पार्टी में उन्होंने आपने तीन लोगों को नहीं बुलाया, जावेद मियादाद को, रमीज राजा को और सलीम मलिक को, इनको छोड़ करके बाकी सारी टीम को आपने बुलाया। देखिए ना, ये भी एक छोटा पान है, अगर इस तरह भी कोई सोचे कि टीम इस तरह टूट जाती है कि पार्टी में चार लड़के कोई चले जाए किसी और पार्टी में तो टीम टूट जाती है उससे। लेकिन आज आप मानते हैं कि आज के क्रिकेटर्स में, चाहे वो हिंदुस्तान में हो या पाकिस्तान में, क्रिकेटर्स का ज्यादा ध्यान एंडोर्समेंट पर, एडवर्टाइजमेंट पर रहता है बजाय इसके कि खेलने पर? अगर प्रोफेशनल क्रिकेटर है तो अगर वो एडवर्टाइजमेंट्स कर रहा है, स्पॉन्सरशिप कर रहा है, लेकिन अगर वो अपनी क्रिकेट के ऊपर भी फोकस्ड है तो इसमें तो कोई हर्ज नहीं है। सौरव गांगुली ने 5 दिन टेस्ट मैच नहीं खेला ये कहकर के उनको चोट लगी हुई है, लेकिन मुंबई में वो थे और किसी एड की शूटिंग कर रहे थे। देखिए अब ये क्रिकेटर्स को ऐसे इल्जाम तो लेने पड़ते हैं। मैं मुझे याद है मैं जब पहली दफा हिंदुस्तान आया क्रिकेट टूर के साथ तो मुझे यही रिब इंजरी हो गई और मैं अपनी तब सब पीक पे था, यानी कि जब अपनी सबसे तेज तरीन बॉलिंग कर रहा था, तो क्योंकि मैं खेल नहीं सका तो मेरे ऊपर ऐसे ऐसे इल्जाम लगे कि जनाब ये रात पार्टीज कर रहा था, ये हिंदुस्तानी एक्ट्रेसेस के साथ इसके दोस्ती थी, जीनत अमान के साथ आपका नाम जुड़ा वगैरह वगैरह। तो उससे मुझे इतना मैं हैरान रह गया। खैर तब मैं, अब तो पॉलिटिक्स में रह के अब इंसान को किसी किस्म की तनकीद का फर्क पड़ता नहीं है, लेकिन उन दिनों में मैं अभी भी मैं हैरान रह गया जिस तरह की चीजें लिखी गई कि लोगों ने कहा हमने खुद उसे पार्टी पे देखा, सुबह के 5 बजे तक जागा हुआ था, शराब पी रहा था, हालांकि मैंने जिंदगी में कभी शराब नहीं पी। तो इस तरह के इल्जाम लगते हैं, स्पोर्ट्समैन को फेस करना पड़ता है। आप जब अच्छा करते हैं सारी आप जाए रात सारी रात जागे रहें पार्टीज करें वो सब कुछ भूल जाता है लोगों को। जब आप बुरा करते हैं, आपने चाहे कोई गलत काम किया हो या ना किया हो, वो इल्जाम लग जाते हैं। ये स्पोर्ट्समैन को फेस करना पड़ता है। और जब इल्जाम ऐसे लोगों से लगते हैं जो अपने साथी रहे हो, अपने कुलीग रहे हो, तब कैसा लगता है? कई दफा इसका ये जो आपने मुझे भी, मैंने जावेद की किताब नहीं पढ़ी, लेकिन ये जो आपने चीजें बताई हैं, जाहिर है इसका अफसोस होता है क्योंकि एक आपके साथ कोलीग 15-17 साल क्रिकेट खेलता है और वो इस तरह की छोटी बातें लिखता है तो इसका तकलीफ होती है, लेकिन खैर इंसान को एक्सेप्ट करना पड़ता है, हर इंसान की अपनी सोच है। एक और आपके साथी रहे सरफराज नवाज, वो तो लगातार आप पर कोई ना कोई इल्जाम लगाते रहते हैं। उसकी देखिए एक कुरान शरीफ में एक आयत है, हमारी किताब जो है मुसलमानों की, उसमें आयत है कि अल्लाह ने इंसान को अशरफुल मखलूकात पैदा किया, यानी कि सब मखलूक से अजीम, लेकिन जब वो इंसान गिरता है तो वो जानवरों से भी नीचे चला जाता है। ये जानवरों से नीचे चला गया सरफराज नवाज, इसके लिए ऊपर मैं भी आगे बात करता। दो उन्होंने हाल ही में इल्जाम, तो वो आपके ऊपर 10 साल से लगा रहे हैं, लेकिन हाल में उन्होंने 2 इल्जाम लगाए हैं जिनका जिक्र करना चाहता हूं। एक तो उन्होंने कहा कि जितना पैसा आपने हॉस्पिटल के लिए इकट्ठा किया उसमें से 10 हॉस्पिटल बन सकते थे, आपने बनाया 1 और 9 का गायब। इसका मतलब ये अब अपना जहन जो इसका है ना वो बता रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर ये हॉस्पिटल बनाने के लिए पैसे इकट्ठे करता, इसने 10वां हिस्सा हॉस्पिटल में लगाना था, बाकी खुद रख लेना था। वो आपने वो अंग्रेजी में एक्सप्रेशन सुना है ना कि इट टेक्स अ थीफ टू कैच अ थीफ, मतलब कि चोर की सोच चोर की तरह होती है, तो वो अपनी तरह, क्योंकि वो चोर की तरह सोच रहा होता है तो वो फिर उसकी मूव्स कर सकता है, तो ये अपनी सोच बता रहा है कि इसकी क्या सोच थी। एक और इल्जाम उन्होंने लगाया, उन्होंने कहा कि आपने जो हॉस्पिटल बनाया ये इसलिए बनाया कि जो ज्यूइश फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, जो आपके फॉर्मर इन लॉज की कंपनीज हैं, वो कुछ एक्सपेरिमेंट्स करना चाहती थी कैंसर की दवाएं बनाने के लिए, वो इंसानों पर वो एक्सपेरिमेंट हो और वो
आपके हॉस्पिटल में हो, इसलिए इस हॉस्पिटल पे इतना पैसा खर्च किया गया। मैंने कहा ना कि जानवरों के सतह से नीचे जा चुका इसके ऊपर अब आप इसके लिए कोई ये अंग्रेजी में कहते हैं ना गॉन केस है, इसके ऊपर आगे बात ना करें क्योंकि ये बेवकूफ आदमी है और बेवकूफ के अलावा इसमें ये बदनीयत आदमी है। ये बात क्रिकेट की थी इमरान साहब।